सबको जय मसीह की। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपके साथ बड़े जरूरी विषय से बात करने जा रहा हूं, वो है भूलने के खतरे क्या हैं। अब मैंने ये विषय क्यों लिया, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं। जब हम भजन संहिता उसका 103 नंबर अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। परमेश्वर हमारे जीवन में कितने उपकार करते हैं। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, हमें गुनाहों से छुड़ाया। सोच कर देखें, आज आप हो सकता है किसी दिक्कत में खड़े हों, लेकिन याद करें उन बातों को जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके जीवन में किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं इसराइली लोग परमेश्वर की बहुत सारी भलाइयों को भूल जाते थे। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े मिरेकल्स किए। परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको छुड़ाया, मिस्र के ऊपर कितनी सारी आपदाएं आई। जब उनके सामने लाल समुंदर था, परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुंदर को भी खोल दिया, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो पार गए और जब पीने के लिए पानी नहीं था, वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। वो शक से भर गए, वो डर से भर गए, वो खौफ से भर गए, उनको अपने भविष्य की चिंता होना शुरू हो गया। कितनी बार इजरायली लोग वापस मिस्र देश की ओर देखते थे और वहाँ वापस जाने की चाहत रखते थे। जब सामने उनको कोई मुश्किल आती थी, बजाय कि मुश्किल के समय वो याद रखते परमेश्वर ने कैसे उन पर बड़ा उपकार किया है, वे कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बचाया है, कैसे परमेश्वर उनको मिस्र से गुलामी से छुड़ाकर लाए, तो क्यों ना परमेश्वर उनकी आज भी सहायता करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं वो जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी वस्तुएं हमें क्यों ना देगा। चिड़ियों से पंछियों से बढ़कर परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करते हैं। अगर परमेश्वर उनको देते हैं, परमेश्वर आपको भी देंगे। बहुत सारे लोग की जिंदगी की समस्या यह है, वो अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने बार बार इसराइलियों से कहा, कुछ बातें लिखने को कहा। यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर उनको यर्दन पार ला रहे थे और जहाँ पर वाचा का संदूक था, वहाँ पर से कहा गया कि यहाँ से पत्थर को उठा लो, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी जब पूछे ये क्या है, तो तुम अपने बच्चों को बता सको, क्योंकि इंसान भूल जाता है। कई बार तो लोग कुछ पीढ़ियों बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम से भूल जाते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को अपने चेलों के सामने खिलाया। 5,000 तो पुरुष ही थे, फिर औरतें और बच्चे भी थे, लेकिन अगली बार जब खाने की बात हुई तो चेले शक से भर गए। देखो कैसे थोड़ी ही देर के बाद वो भूल गए। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, आज सुबह उनके जीवन में चमत्कार हुआ है और शाम को वो भूल जाते हैं परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में क्या उपकार किया है, कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब नई कोई परेशानी सामने आती है, हम भूल जाते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला। ये इसराइली लोगों की बहुत बड़ी गलती थी, वो कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते थे। मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे, कहते थे तुम हमें यहाँ पर क्यों उजाड़ में जंगल में ले आए हो। हम देखते हैं कैसे बार बार उनकी कुड़कुड़ाने की आदत थी, जिससे परमेश्वर खुश नहीं थे। मैं आज आपको 3 नुकसान बताना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के उपकारों को भूलता है, तो उसकी जिंदगी में आगे क्या होता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे नतीजे हमें देखने को मिले जहां लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। परमेश्वर के उपकारों को भूलना बहुत 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 खतरनाक है। पहला खतरा जो परमेश्वर के उपकारों को भूलने का है, वो है लोग कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं, मर्मरस ग्रम्बलर्स बन जाते हैं, लोग वापस मुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, कई बार मैं देखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आते तो हैं, प्रभु उनके जीवन में भलाई करते हैं, लेकिन जब कोई नई दिक्कत आती है, वो एकदम से भूल जाते हैं प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में क्या किया और वापस संसार में लौट जाते हैं। इसराइली लोगों ने भी ऐसा किया, वो वापस लौटने की इच्छा रखते थे, वो कुड़कुड़ाना शुरू हो गए, ग्रम्बलिंग करना शुरू हो गए, जैसे मैंने बताया परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। अगर आप परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाएंगे, तो हो सकता है इबलीस शैतान उसको इस्तेमाल करे और आपको वापस संसार में ले जाए। जब मैंने 2002 में प्रभु को जीवन दिया, मैंने प्रभु से ही प्रार्थना किया, प्रभु मेरी मदद करना कि मैं कभी भी आपको छोड़ ना दूं, कहीं मसीहत को त्याग ना दूं, जो मसीह नई जिंदगी पाई है मैं इसको कोई गवा ना बैठूं, जो हमेशा की ज़िंदगी पाई है प्रभु मुझे इसमें बनाए रखना। और कुछ समय के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि अगर मैं प्रभु की भलाइयों को याद रखूँगा,
मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए जब भी मेरे जीवन में कोई मुश्किल आया, मैंने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को याद किया। जैसे हम देखते हैं कलीसियाओं में कम्युनियन सर्विस होती है, प्रभु भोज होता है, कहीं एक महीने में एक बार होता है, किसी किसी कलीसिया में हर संडे होता है, कई कई लोग रोज़ रोजाना अपने घर में रोटी तोड़ते हैं। तो वो क्यों किया जाता है? ताकि हम भूल ना जाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, ताकि हम भूल ना जाएं कि हम गुनाहगार थे, पापी थे, और एक दिन हम नाश होने के लिए तय किए गए थे। लेकिन प्रभु ने बीच में आकर हम पर दया कर दी, हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा दिया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बार बार याद करते हैं। बेशक वो मरे और तीसरे दिन जी उठे, आज भी जिंदित हैं, लेकिन हम याद करते हैं उनकी मृत्यु को, क्योंकि बड़ा आसान है कि एक मनुष्य भूल जाए कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भलाइयाँ की है। परमेश्वर उनको गुलामी से छुड़ा कर लाए, हमें भी गुलामी से छुड़ाया है। हम शैतान की गुलामी में थे, परमेश्वर से दूर थे, अंधकार में से थे, लेकिन परमेश्वर हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में परमेश्वर हमें ले आए हैं। हालेलुया, क्यों ना प्रभु का थोड़ी देर के लिए धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो आपने हमें दे दिया है। प्रभु हम इस उपकार को भूलना नहीं चाहते। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये कभी भी आपके इस उपकार को ना भूलें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये पहला एक खतरा है, अगर हम प्रभु के उपकारों को भूल जाएंगे तो हो सकता है इसराइली लोगों की तरह आपके अंदर भी वापस जाने की इच्छा आए, क्योंकि सामने कोई मुश्किल दिखाई दे रहा है, और बजाय कि उस मुश्किल समय में हम परमेश्वर को याद रखते, उनकी भलाइयों को याद करते, उनके उपकारों को याद रखते। जैसे बाइबल में मैंने पहले पढ़ा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो बहुत महत्वपूर्ण है उसके उपकारों को ना भूलें, और अगर याद रखेंगे आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। दूसरा जो खतरा है उनके उपकारों को जो भूलने का जो खतरा है, लोग मूर्खता के काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर हम भूल गए, हो सकता है हम मूर्खता में जीवन जीना शुरू कर दें। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कैसे इजरायली लोग जब परमेश्वर उनको छुड़ा कर लाए, परमेश्वर उनको बचा कर लाए और लाल समुंदर पार किया, लेकिन जब सियोन पर्वत के सामने आए, जब मूसा ऊपर गया था और मूसा को आने में, पहाड़ी से उतरने में, और जब वो 10 आज्ञा लेके आया उसमें थोड़ा समय लग गया, तो लोगों ने क्या किया, एक बैल का मूरत बनाया और उसके इर्द गिर्द नाच कूद करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया यही हमारा परमेश्वर है। प्रभु इस बात से खुश नहीं थे और बहुत सारे इजरायली लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ जाकर यह कार्य किया था। देखो कैसे वो भूल गए। देखो अभी कोई ये नहीं था कि 50 साल बीत गए थे, 20 साल बीत गए थे, कुछ ही समय में वो भूल गए कि लाल समुंदर खुल गया था। सोच कर देखो, दोनों तरफ लाल समुंदर खुला है, दीवारों की तरह पानी खड़ा है, आप कभी सपने में भी नहीं भूलोगे अगर आप कोई ऐसा सीन देखो, लेकिन वो भूल गए। मिस्र में पहलोठे मारे गए, वो भूल गए। नील नदी का पानी हम देखते हैं लहू में बदल गया, लेकिन वो भूल गए। मिस्रियों के घर में बहुत सारे मेंढक आ गए, वो भूल गए। आसमान से कहर गिरा, वो भूल गए। टिड्डियां उतरी इतनी सारी, आप शायद जिंदगी में कभी वो सीन ना भूलो, लेकिन वो भूल गए। और भूलने का नतीजा क्या हुआ, वो मूर्खता करना शुरू हो गए, गलत रास्ते चलना शुरू हो गए। उन्होंने ऑक्स की एक मूर्ति को बना लिया और उसके दाएं बाएं नाचना कूदना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ गलत गलत गंदी प्रैक्टिसेस भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वैसा ही मिस्र देश में किया जाता था। तो जो वो मिस्र में देश में देखकर आए, अब वो वहाँ आकर बाहर आकर भी वही काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आप उनकी भलाइयों को याद रखेंगे, आप मूर्खता में ज़िंदगी नहीं जिएंगे, आप कई मूर्खता के स्टेप्स से बच जाओगे। कई मूर्खता के कदम जो एक व्यक्ति एक विश्वासी जीवन में उठाता है, आप उससे बचे रहोगे अगर आप प्रभु की भलाइयों को ना भूलोगे, क्योंकि बाइबल में एक जगह नहीं कई जगह हमें याद रखने के लिए कहा गया है, प्रभु की आज्ञाओं को ही नहीं लेकिन प्रभु की भलाइयों को। प्रभु ने जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए उनको, इसराइलियों को भी इसलिए कहा गया
मत भूलना, मत भूलना। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार दर्ज किए। विधवा के लिए चमत्कार जो किया वो दर्ज किया। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने दानियल को शेरों की गुफा से बचाया, वो चमत्कार दर्ज करवाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचाया। कैसे इसराइलियों को उनसे कई कई गुना बड़ी फौजों से बचाया, परमेश्वर ने उसको दर्ज किया। ये क्यों दर्ज किया गया? ताकि परमेश्वर के लोग बार बार इसको पढ़ते रहे और याद रखें। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो हमारा दिमाग जो है बहुत याद रखने वाला दिमाग नहीं है ना, ये इसमें भूल जाती हैं कुछ चीज़ें। मैंने देखा है लोग कई बार प्रभु की भलाई भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनके साथ बुरा किया हो वो जिंदगी भर नहीं भूलते। देखो कैसे शैतान लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम वचन बार बार क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम प्रभु की बातें भूल ना जाएं, प्रभु की आज्ञाएं भूल ना जाएं। बार बार क्यों सुनते हैं? बाइबल खत्म होती फिर दोबारा पढ़ते, खत्म होती फिर दोबारा पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म याद रखें। याद रखें प्रभु कल आज और युगो युग एक समान है। वो परमेश्वर जिन्होंने इसराइलियों के लिए कार्य किया आपके लिए भी करेंगे। तीसरा खतरा परमेश्वर की भलाइयों को भूलने का यह है, इससे परमेश्वर का गुस्सा इग्नाइट हो सकता है, परमेश्वर का कहर एक व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं भजन संहिता 106 और उसकी 21, 22 और 23 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। अगली आयत में लिखा है, उसने तो हाम के देश में आश्चर्य क्रम और लाल समुंदर के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा, मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो मैं उन्हें नाश कर डालूं। हम देखते हैं परमेश्वर ने एक दिन मिस्रियों को नाश करने का फैसला किया। एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ, लेकिन मूसा हमेशा बीच में आकर खड़ा हो जाता था, कहता प्रभु मुझे खत्म कर दो लेकिन इनको बचा लो। वो कैसे परमेश्वर की दुहाई देता था और परमेश्वर की दया इसराइली लोगों के ऊपर आ जाती थी। धन्यवाद हो आज हमारा भी मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, जो हमारे लिए विनती करते हैं, जो हमारे लिए हाबिल के लहू के समान बदले की बात नहीं करते लेकिन क्षमा की बात करते हैं। ए पिता इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। कितना हमें प्रभु का धन्यवादी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम खतरे को देखते हैं। खतरा क्या है? अगर हम प्रभु की भलाइयों को भूल जाएंगे तो लोग बलवा करते हैं, पीछे मुड़ना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहते, लोग गलत फैसले लेना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि कैसे उन्होंने एक ऑक्स की एक मूरत को बना लिया और परमेश्वर इससे खुश नहीं थे और बहुत सारे लोग इसराइली लोग उस दिन विनाश हो गए। और तीसरा जो खतरा मैं बता रहा हूँ, इससे परमेश्वर का कहर लोगों की जिंदगियों के ऊपर आता है, जैसे इसराइलियों के ऊपर आने लगा था। लेकिन धन्यवाद हो कि मूसा एक चरवाहे का हृदय रखता था, प्रभु यीशु मसीह जैसा हृदय, कि उसने उनके लिए बिचवाई की प्रार्थना की और प्रभु ने उन पर दया कर डाली, लेकिन वो पीढ़ी बेशक वायदे के स्थान में पहुंच नहीं पाई। ये तीसरा खतरा है। इसलिए आप प्रभु की भलाइयों को ना भूलना, क्योंकि जब प्रभु की भलाइयों को भूलेंगे हम क्या होगा, एक बार फिर से कह रहा हूं, हो सकता हम भलवे में चले जाएं, वापस संसार में जाने का दिल करे और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना बंद हो जाए, जैसे लोग अब मूसा के साथ नहीं चलना चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, जो दूसरा खतरा, वो ये है कि लोग अपने खुद के हाथों से बनाए हुए बैल बना लिया जब मूसा ऊपर पहाड़ी के ऊपर गया, क्योंकि वो बड़ी जल्दी भूल गए परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया था, और उस मूरत को बनाकर उसकी आराधना करना शुरू हो गए और उसके दाएं बाएं खेल कूद करना शुरू हो गए, यानी कि गलत फिजिकल प्रैक्टिसेस करना शुरू हो गए, शारीरिक गलत तरह के कार्य करना शुरू हो गए। तो तीसरा जो मैंने बताया, परमेश्वर का कहर ऊपर आता है, लेकिन धन्यवाद हो आज हमारे ऊपर परमेश्वर का कहर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाया है और हम इस बात को कभी ना भूलेंगे। कभी भी इस बात को ना भूलना कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। आए हम एक बार स्क्रीन को दोबारा देखें और यहाँ पर कुछ आयतें जैसे आप देख रहे हो, मैं इनको आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ और ये ब्लेसिंग आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 और पहली आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, वह मेरे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना।
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों से तुझे चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं होती जाए। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। कितनी सारी आशीषें हैं और भी बहुत सारी, तो कितनी भलाइयां हैं जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में की। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, भूल जाते हो, तो लिख लो, अपनी गवाही को लिख लो, लिखो प्रभु ने आपके लिए क्या किया, कौन सी नौकरी के लिए आपके लिए रास्ता बनाया था, कैसे आपका एग्ज़ाम सिर पे था और आपको ज़्यादा मालूम नहीं था अब क्या करना है, पढ़ने का समय कम था लेकिन कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता किया, कितने ऐसे रुके हुए काम थे जो परमेश्वर ने आपके लिए बना दिए। अगर आज मैं अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ आपसे बांटूँ, शायद पूरा एक साल लग जाए, इतनी सारी गवाहियाँ हैं, इतनी सारी परमेश्वर की भलाइयाँ हैं जो मेरी ज़िंदगी में हैं, तो मेरे लिए अब बहुत ज़रूरी है कि मैं उन सबको याद रखूं। लेकिन ये सब भूल भी जाए, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु को कभी ना भूलना जो आपके और मेरे गुनाहों के लिए थी। ये एक बहुत बड़ी भलाई है जो प्रभु ने हमारी जिंदगियों के ऊपर की ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके, हमें दंड और गुनाह से, गुनाह के कहर से, जो गुनाह के कारण जो परमेश्वर का कहर आना था उससे हमें बचा लिया। प्रभु आपको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। मेरी प्रार्थना है आपके लोग कभी भी आपकी भलाइयों को ना भूलें, ये सुमन रखें। पवित्र आत्मा, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में, जब सामने दुश्मन खड़ा हो, ये ना भूलें प्रभु आपकी भलाइयों को। इज़राइल के सामने गुलायत खड़ा था, लेकिन हम पढ़ते हैं दाऊद भूला नहीं कि कैसे उसने शेर और भालू को मारा था, कैसे परमेश्वर ने उसको जीत दिया था। कहता है वही परमेश्वर आज इस दुश्मन को मेरे सामने हराएगा। प्रभु हम भी कभी आपकी भलाइयों को ना भूलें। हो सकता है कोई ऐसे हालातों में से निकल रहा हो, वो कह रहा हो मुझे लग रहा है मैं आग के एक भट्ठे में हूँ। प्रभु हम ना भूलें कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आपने बचाया था। कोई कहेगा मेरी ज़िंदगी ऐसे है जैसे मैं शेरों की गुफा में हूँ और शैतान मुझे नाश करना चाहता है, वो बेशक भूखा है, भूखा शेर है, फाड़ खाता है, लेकिन परमेश्वर के दूत उसका मुंह बंद कर देंगे क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वही आपके आपको सब रोगों से चंगा करता है, बाइबल में लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से हर बीमारी रोग आपके शरीर को छोड़कर जाता रहे। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ आपके लोगों के लिए, इनको बहुताय से आशीष दें, ब्लेस करें प्रभु, ये आप में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।